ये भाई ये भाई ये सीधा 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 तो कहां से आ रहे हैं ये देखो, ये चल क्या रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है, बच्चों ने सीट बेल्ट लगाई है, अमेजिंग। सांप सूप ना लड़ जा, देख लियो। पिकनिक तो है, किसे ना अड़का टीम गिर के ले जाओ। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं तो सैम वेंचर ऑन रोड। तो मैं जा रहा हूं आज काफी टाइम बाद गैंग ऑफ थार में, अपना ग्रुप है जो गैंग ऑफ थार, उसमें ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो मजा आने वाला है क्योंकि डिफरेंट जगह है जो आज बताई गई है, तो देखते हैं कहां जाते हैं, सरप्राइज है क्योंकि सब ने एक नई लोकेशन ढूंढी है। हमें बस हमें लोकेशन निकाली है, तो चलते हैं एक्सप्लोर करेंगे और कुछ खाना वाना भी वही होगा, कुछ पार्टी वार्टी भी वही होगी और मजेदार मजेदार बातें भी होंगी। तो आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे क्योंकि अभी मेरा टाइम 9 मिनट हो रह गया। हमारा पहला जो मीटिंग पॉइंट है वो है एम्बियंस मॉल। ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग की गर्मी जो है ना इतनी बनी हुई है बहुत ज्यादा। ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग किया है, बस थोड़ा सा एक लुक देखने के लिए कि नियॉन कितना जचता है। तो डीजल डलवाया जा रहा है, पहले डीजल डलवा लेते हैं। ओके ब्रदर, तो पहले कट पे डलवाता हूँ मैं हमेशा भाई, और जीरो डिजिट ना आए उसमें डलवाता हूँ। तो डीजल डल रहा अपनी जगह, ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं, गर्मी बनी हुई है और भाई सब लोग पहुंचने वाले क्योंकि 7 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट तो चलो ये ले ले ऑफ रोडिंग के लिए। तो भैया क्या बात, ऑफ रोडिंग किंग। देखो बाइकर्स जा रहे हैं सारे, अब ये यहाँ रुकेंगे सारे बाइकर मोस्टली ना, यहाँ भी इनका अड्डा बना रखा भाई बाइकर्स ने ऑफ रोडिंग के लिए। लोगों ने एक अच्छा पॉइंट है, मतलब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अड्डा बना रखा है, अड्डा बना रखा है, अड्डा बना रखा है। ओ भाई ये खड़ी अपनी गाड़ियाँ, थार थार थार, इधर खड़ी है अपने की तार तो तार। भैया जी ये देखा, देखा 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 देखो खड़े देखो, हाँ स्माइल देखो भाई साहब, स्माइल ऐसी होती है बैठ की, रात बहुत दिन बाद देखे भैया की स्माइल। तो चलो आगे मिलते हैं, बढ़ते हैं। और तो काफिला रेडी है चलने के लिए, गाड़ियां हो गई रेडी ऑलमोस्ट। और भाई अमित भाई अपने आ चुके, देखिए भाई स्टोरी पटोरी पा रहे हैं भाई। तो चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अपनी गाड़ी किधर है भाई, मेरी गाड़ी कहाँ, मेरी गाड़ी कहाँ है भाई, मेरी गाड़ी कहाँ गई, वहाँ मेरी गाड़ी है, ऑलमोस्ट गाड़ी आ चुकी है। आगे भी कुछ लोग मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है, सो लेट्स गो, मस्ती मजाक रहेगा। और देखिए वहाँ देखिए, हाय हाय स्माइल। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ दोस्तों कि आज हम जा रहे हैं दम दमा लेक जा रहे हैं, और जेएस भाई का वेट कर रहे थे क्योंकि जेएस भाई के भी आज सारे बाइकर सही हैं। तो चलो दमदमा लेक पे थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे, मीठी मीठी प्यारी प्यारी, और कुछ पिकनिक बनाते हैं ना, पिकनिक करते हैं स्कूल टाइम में, पिकनिक जाते थे, मैगी बनाएंगे, कुछ खाने पीने का बनाएंगे और कुछ मस्ती मजाक होगा और भाई कुछ सारी बातें होंगी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ग्रुप में आया हूँ आज, और भाई मुझे ऑफ रोडिंग का थोड़ा सा ब्लॉग चाहिए था तो कॉन्टेंट के लिए आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इसी के साथ, ग्रो वीडियो बहुत मस्त होने वाली है, लेट्स गो। जाएंगे ना भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चढ़ जाएंगे, देख रहे हैं, और हमें यहाँ से लेफ्ट से जाना है कहीं से घाम दोज महेंद्रवाड़ा, और इधर पेट्रोल वाले बैठे और गड्डियां में तेल डाल रहे, तेल पेट्रोल की है ना भाई, पेट्रोल वालों को डलवाना पड़ता है, सही है ना। से जहां हम जा रहे हैं, अब तू चल ले पहले, वो निकल गया ना एक्चुअली चार्जिंग पे था, सो तार खींच गई। तो चलो कोई नहीं, साउंड क्लियर है। और भाई यहाँ से कुछ ऐसे जा रहे हैं, और वो सामने पहाड़ है छोटे छोटे,
बट सही है, कोई गांव है? आए गौ माता, नहीं तो बैल जी। तो चलो भाई मजा आएगा, बट सच में लग रहा ना कि मजा आना चाहिए, तो मजा आएगा। क्या बात है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग ट्रैक देखते हुए। पहुंच गए भैया, पता ही ना। पायलट बताओगा। तो चलो अभी पहुंचे हैं कहीं ना कहीं, पर सब उतर गए। बट नहीं अभी कुछ आगे है, आगे कुछ वहाँ वहाँ कहीं जाके कूदना कूदना होगा भाई। सही है, जी कर लीजिएगा, थैंक यू। तो चलो भाई आगे जाना पड़ेगा अभी, आगे 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 जाएंगे भाई, वहाँ जाएंगे, वहाँ वहाँ से कुछ होगा ऑफ रोड का, लेट्स गो। बट गाड़ी अगर रोड तक गजब लग रहा है ना, मैंने कॉनवे ना ऐसे चलता है, ये कॉनवे ना बहुत टाइम बाद हुआ, बट सच में अच्छा लग रहा है। ये ऑफ रोडिंग चलती रहनी चाहिए, लेट्स गो। आप जान दो, गई 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 बहुत प्यार से। ओ, जंगल में मंगल कुछ ऐसे सीन है। रुक जाओ मैं जा रहा हूं ऊपर। तो भाई ऊपर चढ़ते हैं, ट्रैक मिल गया है, ये देखो। ओए ओए, अच्छा सही है यार, अमेजिंग। तो यहाँ से ऊपर आई गाड़ियाँ और यहाँ से नीचे जाएगी, सही है यार। ना ना मार तो दूंगा, अभी रील लेंगे, बढ़िया रील कंटेंट भी बनाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, बच्चों ने सीट बेल्ट लगाई है यार, अमेजिंग भाई। ग्रेट ग्रेट, ओहो सही है। सांप सूप ना लड़ जा, देख लियो। पिकनिक तो है, किसे ना अड़गाड़ी में गिर के ले जाओ। ये भाई साहब ये जान दो जान। गाड़ी यहाँ पे खड़ी क्योंकि मैं ना वीडियो नहीं बना पाऊंगा, और यहाँ से अब जो है ना इनके ऑफ रोड के क्लिप्स जो है, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करो ना वो देखिएगा। पसीने आ रहे भाई, गर्मी बहुत है, एक तो है ऑफ रोडिंग के चक्कर में गर्मी करा रखी है। नहीं देखो एसी बंद आ सबकी। तो चलो आगे देखते हैं। जान दे ब्रो, क्या बात है। तो कहां कहां से आ रहे हैं, ये देखो ये चल क्या रहा है। चल क्या रहा है, कुछ भी मतलब सही में। एक मिनट यार, थार में ना पावर फील होती है, ऐसी बात नहीं है, फील है। चलो आन दे दादा, मैं दे देगा तेरे को। ओ बॉन्ग राइडर, बटन दबा, चंबा बटन। कहाँ चल दी भाई, गई गई जान दो। ये देखो क्या बात है भाई, ये है भाई साहब, आज का थंबनेल यही होगा, मस्त लग रही थी यार। कुछ ऐसी है, वॉल है, रास्ता है, ये ऐसे जाएगी या
ना ना एक बार और होगा। आंकड़े तेरे जान दे गुरु। क्या बात है आए हाय सीता ही कह दे। नहीं गांव से हैं? गांव से ये हमारे मित्र हैं, हमारे साथ हैं। हाँ तो ये गाड़ी में आए, मैं मजाक कर रहा था यार, बट सच में मजा रहा। फंसा ना होगा जी? फंसा। अरे वाह, बट ये हमें पता भी नहीं था ये ऐसे कुछ ऑफ रोडिंग है भैया, यहाँ भी ले कहीं से पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के ले आए। बट चलेंगे आगे, वो देखो भाई, वो निकाल लेंगे। एडमिन का काम ही रास्ता बनाना है भाई। हाइलैक्स आर्टिकुलेशन इसका भी बढ़िया भाई, ऐसी बात नहीं है, पावर आर्टिकुलेशन बढ़िया है। ये लो अपने भाई, चले चलो 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 चलो। ये थोड़ा रहता कि शायद आगे पीछे का इशू, बट पावर है यार। क्या बात है। आराम से ये भाई ये परफेक्ट। सबसे पहले ये देख लो पैरों की हालत ऐसी हो गई है शुरू। गाड़ी आ गई, हम दो तीन गाड़ियों के चक्कर में रुक गए, बट कोई नहीं, सबको बोल दें भाई कि मतलब दोबारा रिप्लाई करो भाई, चलाना जरूरी है, मेहनत हो रही है भाई। लेट्स गो। बस और पसीना देख भाई, पसीना भीग रहा है, पसीना। ओहो भाई साहब मजा आ गया भाई साहब, देखो 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 कैसे टूट रही साड़ियाँ। मैं आपसे ले लूंगा भाई। चलो भैया चला 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 अब ये। हाँ लेट्स गो। वो 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 ब्रो देखो ऐसे चलते हैं भाई रास्ते। ये देखो पहाड़ कहाँ से आगे पहाड़। मैं सच में यार मैं पहाड़ों को बहुत मिस कर रहा हूँ। I love पहाड़, मेरे पहाड़। Yes sir। मैंने पहले 2x4 में ट्राई किया 3 बार। Very good bro। सीधा इधर, बस सीधा आ दो। ना 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 फंसेगी। बस सीधा। पक्का? सीधा इधर रखो। सीधा। भाई साहब अंदर तो घूम के आ गए। इसमें ना वैसे तो थार रॉक्स वाला इंजन लगा हुआ भाई, ये इंडिया की पहली थार है जिसमें थार रॉक्स का इंजन है भाई साहब। आन दो। ना ना यहीं से ठीक है। आराम से, बिल्कुल आराम से, इजी, कोई जबरदस्ती नहीं है, इजी। इधर हल्का इधर, मेरी तरफ उधर। हाँ गया, चलो परफेक्ट। तो देख रहे अमित भाई हाँ बढ़ाना भाई। तो चलो भाई ये आ गया अपनी UP 0777। क्या बात है, 4x4 तो लगा ले मेरे शेर भाई साहब। क्या बात है। बिल्कुल इधर। हाँ सही है, रोको। तो अमित भाई की गाड़ी देखो, आर्टिकुलेशन दिखाता हूँ भाई। अब ना सीधा ही जाना है, ठीक है, एक मिनट
धीरे 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 डन। ये जंगल वाला कैंप कर रहा हूँ, ये देख सेक्सी देख। अबे इधर ही आजा, यहाँ से इधर से वापस। और सुनो जल्दी रोक रखा है मैंने। पीछे लो, पीछे पीछे थोड़ा सा, ठीक है आप सीधा करो, आन दो, परफेक्ट आ गई। वो देखो वहां कुछ चल रहा है, वो देखो भैया कहाँ चल रहा दिख रहा, गाड़ी कैसे खड़ी कर रखी है, ऊपर टटाके टटाके पटाके कर रखी है गाड़ी, पहाड़ में यहीं से चलेगी लग रहा। पतले होते हैं वो, व्हाइट व्हाइट वाले जिसमें चाय देते हैं वो पेपर के होते हैं। हाँ, नहीं भाई प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक की चाय कोई देगा नहीं, प्लास्टिक में कुछ यहाँ जो जितना भी झगड़ा चल रहा है छन्नी का चल रहा है, और इतिहास रहा है जहाँ चाय बनी है वहाँ छन्नी है ही नहीं। रुको ना भी, जितना मर्जी रुक जाओ, रुकना ही क्यों है भाई साहब, बटा भी इसमें पत्ती आ गई वही तो निकालनी है भाई। ये बुजुर्ग है हमारे छन्नी बना दी भाई साहब, ये हैंडमेड, आगे के लिए कोई छन्नी भूल जाए तो ग्लास हो तो ये बना सकता है ऐसे। लो टेस्टिंग कर लो, टेस्टिंग कराओ जी। हाँ हाँ जी हाँ जी, टेस्टिंग हो रही है टेस्टिंग। ओके, मैं अमरजीत सिंह, गैंग ऑफ थार का फाउंडर, और बाकी मेरा अपना, मैं भी बिजनेस करता हूँ करोल बाग में, गॉट बूस्ट मेरी एक डिवाइस है जो हम लोग बनाते हैं अभी, वही मेन इस टाइम वही बिजनेस है, बस यही है। और हमारे छोटे एडमिन साहब अभी कनाडा में हैं। छोटे एडमिन साहब कनाडा, वो कुर्सी हड़पने वाले हैं जल्दी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है श्री कुशवाहा और मैं अमरजीत सर के साथ लास्ट 5 ईयर से मैं वर्क कर रही हूँ एज एन आर्टिस्ट, और एक 1.5 साल से आई थिंक जब से GOT स्टार्ट हुआ है जब से मैं सर के साथ वर्क कर रही हूँ एज अ मैनेजर। सो रिसेंटली मैंने अभी अपना आर्ट स्टूडियो ओपन किया है श्री आर्ट स्टूडियो के नाम से। थैंक यू। बनी किंग, मैं GOT का मेंबर हूँ सिंस डिसम्बर, और मैंने इस ग्रुप में आके बहुत इन्जॉय की है, बहुत इन्जॉय की ऐसी पार्टीज, फन लविंग पार्टीज, ये जो हम इस टाइम कर रहे हैं पहले कभी नहीं देखी। एंड बाकी पाजी का नेचर इतना बढ़िया है कि थार हो या गाड़ी कोई हो पाजी के साथ रहना है। पाजी नहीं हाहाकार हैं। रविंद्र सिंह, मेरा नाम रविंद्र सिंह चौधरी है, मैं सर के साथ आया हूँ और ये मेरे गुरुदेव हैं, और मैं DS ग्रुप में सीनियर मैनेजर HR। अरे अच्छा, और एक क्रिप्को है PSU गवर्नमेंट की, मैं उसमें GMHR हूँ। किसी को नौकरी चाहिए सरकार? भोपाल से हूँ ऐसे तो, बट अभी रिसेंटली मैं गुड़गांव आया था लास्ट ईयर, तो फिर अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन करा है, ये GOT मेंबर बना हूँ मैं शायद जुलाई या जून एंड के टाइम पे। तो आई एम वर्किंग विद एयर इंडिया, टिकट नहीं मिलेंगे, टिकट नहीं करा था, बंद कर दिया काम। देश है, मैं सौरभ के साथ आया हूँ, एंड दिस इज द सेकंड टाइम आई एम हियर, और आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर विद अ कंपनी, द ट्रैवल कंपनी। गुड गुड गुड। मेरा नाम सौरभ त्यागी है, मैं भिवाड़ी से हूँ, पाजी के साथ काफी टाइम से इंजॉय कर रहा हूँ और काफी मजा आता है इनके साथ, और मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मेरा नाम साहिल है, मैं अभी करेंटली डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, प्लस मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर चुका हूँ। कौन सी गाड़ी है? हायबूसा।
मैं कामरान कमाल मेरा नाम है और मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ और मैं पहली बार आया हूँ अशर भाई के थ्रू। अशर भाई क्या बात है, ये अशर भाई अपने ये आप सबके आप सब एक ग्रुप है क्या बात है। अरे मेरा नाम आयुष्मान कोहली है, करीब 1.5 साल पहले मैं अपना पहले OTR पे आया था पाजी के साथ। हम लोग जब अलवर साइड गए थे पाजी मुंबई एक्सप्रेस वे पे, तब से मैं जुड़ा हूँ। मैं हर 3-4 महीने में तो कम से कम एक बार आ ही जाता हूँ। एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है ना, मतलब बहुत बेहतरीन मजा आ रहा है। आपकी बियर, ये हमारी बियर है जी। हाँ जी, वीडियो में नहीं दिखाना था ना, ये आ गया। हाँ जी बोलिए। मैं अपनी तारीफ क्या करूं अपने मुंह से। तारीफ किसी ने नहीं की अपनी, इंट्रोडक्शन देनी है। चिकन वाले, चिकन वाले अच्छा बनाते हैं। हाँ, वो तारीफ हम करेंगे। बाय प्रोफेशन मैं शेफ हूँ और खाना कोई को अच्छा बना देता हूँ तो तारीफ मिल जाती है मुझे। बहुत बढ़िया बनाया, ये आगे के लिए फाइनल हो गया ना बनाने का। बाय पैशन में ऑफिशियल पे, अभी ऑफिशियल शेफ नहीं है ये। हाँ जी ठीक है। और जीओटी के ऑफिशियल मैं बाय प्रोफेशन यूट्यूबर भी हूँ, तो ट्रैवल मेरा पैशन है, तो उसके साथ साथ यूट्यूब भी चल रहा है अपना। वेरी गुड। अपने चैनल का नाम भी अनाउंस कर, लॉन्ग राइडर अमित, सब्सक्राइब करके जाना। यस, हमारी कुछ कैंपिंग नहीं कहेंगे, मतलब एक पिकनिक बनाने के लिए आए थे भाई साहब। चिकन विकन बना के लाए थे, बट हमने सारी गंदगी साफ कर दी, दोनों इसमें डाले, इसको गाड़ी में रखेंगे और कहीं ना कहीं बाहर फेंक देंगे ना भाई। बिल्कुल, तो कहीं आए तो गंदगी ना फैलाएं। ना बिल्कुल भी, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बैठे हैं साफ सुथरा इसलिए बैठे हैं। हम गंदा लगे लगे दूसरा कोई नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। लोग फिर आगे ऑब्जेक्शन करते हैं, यहाँ आते हैं गंदगी फैलाते हैं, ऐसा कभी ना करें। ले पानी पी ले यार, एक मिनट वो वाली प्लेट भी दे दो। पहले का टाइम हो गया और सब क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है, देख लो भाई क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है, खास वैसी की वैसी। यस, सो अभी थोड़ा सा वही जंगल सफारी करते हुए निकलेंगे और हालत ये है कि गर्मी बहुत है सच में। एसी चलाने का मन नहीं है क्योंकि ऑफ रोडिंग में एसी चलाना मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि भाई साहब गाड़ी में पावर लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा वो होता है फिर कि हाँ और पावर एक्स्ट्रा जनरेट करनी पड़ती है। तो बेटर है कि एसी ना चलाएं, एसी ऑफ करें, ऑफ रोडिंग का मजा लें। चलें फिर आगे, लेट्स गो।